दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों ये एक टॉर्च है मेरे पास, क्रिप्टन कंपनी की है, बाहर की टॉर्च है ये ज़्यादातर सऊदी वगैरह से आती हैं। इसका मॉडल नंबर है KNFL5025। दोस्तों इसके अंदर दिक्कत ये हो रही है कि वो इसका ना ही बटन काम कर रहा है, ना ही बल्ब जल रहा है, और चार्ज भी लगा रहे हैं तो ना ही चार्ज पे काम कर रहा है ये टॉर्च। हमने इसको चार्ज भी करके देखा है, यहाँ से इसको चार्ज कर लेते हैं। ये इसका सॉकेट होता है लगाने वाला, यहाँ से इसको हम अंदर लगा देंगे। सॉकेट हमने लगा दिया, ये इससे भी नहीं चल रही है। तो दोस्तों इसमें अंदर ही दिक्कत है इसकी प्लेट में, तो इसको ओपन करते हैं फिर देखते हैं क्या सिस्टम ख़राब है इसका। तो इसको दोस्तों खोल लेते हैं, ये यहाँ से खुलता है, ये यहाँ से इसका सेल बाहर हो जाएगा। खुलने के बाद में ये सेल इसका बाहर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ से खोल लेंगे हम, ये देखो यहाँ से ये इसको हमने खोल लिया, ये भी अलग हो गया। तो इसके अंदर ये होता है इसका मेन जो फ्रंट है, इसी के अंदर जो भी कोई दिक्कत होगी इसके अंदर होगी, क्योंकि ये सेल अलग होता है, ये बल्ब का ये कटोरी अलग हो जाती है, जो सारा मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर होती है। तो इसको भी दोस्तों खोल लेंगे, यहाँ इसको चिमटी की सहायता से हम खोल लेंगे। दोस्तों इसकी चूड़ियाँ उल्टी होती है, जिस साइड हम इसको खोलेंगे उस साइड ये कसेगा, और जिस साइड इसको हम कसेंगे उस साइड ये खुलेगा। ये हमने इसका खोल लिया है, ये इसका हटा दिए। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से इसको दबाएंगे, इसे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर अब इसको खोल लेते हैं, इसमें ये इसका ऑन ऑफ स्विच ख़राब हुआ रखा है, ऑन ऑफ स्विच इसका ख़राब हुआ पड़ा है, और इसमें से बल्ब भी ख़राब हो चुका है, इसका बल्ब यहाँ से हट चुका है। देखो अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बल्ब भी इसका हट चुका है। इसके अंदर इसका ओरिजिनल बल्ब तो यहाँ मिलेगा नहीं, ये सऊदी की टॉर्च है, इसके अंदर हम अपना यहाँ जो अपनी टॉर्चें हैं उनका जो बल्ब है वही इसमें हम आपको लगा कर दिखाएंगे किस तरीके से चलता है बल्ब। तो दोस्तों इस स्विच को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, थोड़ी इसमें पेस्ट लगाते हैं, पहले पेस्ट की सहायता से इसको हम, फिर इसके अंदर हम आयरन से इसको बाहर निकाल देंगे। ये हमारा आयरन गर्म हो चुका है, इसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आयरन की सहायता से इसको निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसका हमने स्विच बाहर निकाल दिया है, ये ला ख़राब हुआ पड़ा है। अब इसको हम आयरन की सहायता से इसके इस प्रिंटों को, इसके अंदर डबल प्रिंट होते हैं दोस्तों, तो इसको साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसको थोड़ा आयरन जो है बहुत हीट अप आयरन चाहिए, क्योंकि तो अगर नॉर्मल आयरन है हीट कम होता है तो उससे इसके सॉकेट साफ़ नहीं होते। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा इसमें स्विच हमने लगाना है। ये दोस्तों इसके दोनों प्रिंट हमने साफ़ कर लिए हैं, ये देखो दोनों प्रिंट हमने इसके साफ़ कर लिए हैं। अब इसके अंदर हमारे पास नया स्विच है, वो लगाएंगे, ये स्विच है हमारे पास नया, ठीक है दोस्तों। ये स्विच है, इसको हम लगाएंगे, और जो बल्ब मैं बता रहा था आपको ये बल्ब होगा, ये वाला, ये आम टॉर्चों में लगता है, जो चाइनी की टॉर्च होती हैं उनका बल्ब है। तो दोस्तों अगर इसका ओरिजिनल बल्ब नहीं मिलेगा तो ये बल्ब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, रोशनी भी अच्छी देगा ये। तो दोस्तों आप वीडियो में, तो दोस्तों इसको हम इसके स्विच को, पहले इसके स्विच को लगा लेते हैं, यहाँ से इसकी पत्तियों को यहाँ से मोड़ देंगे चिमटी की सहायता से। ये पत्तियाँ हमने इस तरीके से यहाँ से मोड़ देंगे इनको, यहाँ से ये पत्तियाँ हमने मोड़ दी। अब यहाँ इसके जो यहाँ ये निशान है स्विच का, इसको यहाँ से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से इसको हमने डाल दिया है। तो दोस्तों अभी इसमें थोड़ी और सेटिंग करनी पड़ेगी, अभी डल नहीं रहा है, इसको और साफ़ करना पड़ेगा। दोस्तों इसको हमने अब इस यहाँ से इसको हम फिट कर लेंगे इसमें, ये हमने फिट कर दिया इसमें, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ से सोल्ड मार देते हैं, थोड़ी पेस्ट लगाएंगे इसमें। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट से टाँके में मजबूती आती है, और पेस्ट से कार्बन वगैरह होता है जो प्रिंटों पे वो साफ़ हो जाता है। पेस्ट से पकड़ बहुत अच्छी होती है टाँके का, आप बिना पेस्ट के टाँके लगाओगे तो उसमें उतनी सफाई नहीं आएगी जिसमें जिस तरीके से पेस्ट से आती है। तो पेस्ट
जब भी कोई टांका लगाएं पेस्ट ज़रूर लगाएं। ये हमने यहाँ से इसको शोल्ड कर दिया, अब दूसरी साइड से कर लेते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से कर लिया, ये दोनों साइड से हमने इसको सोल्ड कर दिया है। अब इसको हम यहाँ चिमटी की सहायता से थोड़ा साफ़ कर लेंगे। ये जो कि प्रिंट वगैरह आपस में किसी आईसी के द्वारा टच ना हो, दोनों साइड से इसको टच कर लेंगे दोस्तों। अब इसको हमने यहाँ से तो ओके कर दिया, इसका बटन यहाँ से देखो, इसको हम दबाएंगे तो आवाज़ आएगी इसके अंदर। देखो ये देखो बटन अब इसमें पूरी तरीके से हमने फिट कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम बल्ब लगाएंगे, ये बल्ब जो है ख़राब हो चुका है, अब इसकी जगह पर हम दूसरा बल्ब लगाएंगे। इसमें बल्ब लगाने से पहले जो दोस्तों ये आपको तीन पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से इनको डैमेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ टेप लगानी होगी, क्योंकि टेप लगाने से ये प्रिंट आपस में टच नहीं होंगे। तो इसमें हम पहले टेप लगा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा काट करके। यहाँ से टेप काट ली हमने, छोटा सा टुकड़ा टेप का लगा देते हैं यहाँ इसके प्रिंटों पर, ताकि हमारे जो बल्ब लगे उसमें कोई दिक्कत ना है, शॉर्ट वगैरह ना हो। यहाँ से बड़ा टुकड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ से इसको और काट लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको देखो, उसको यहाँ चिपका देंगे। ये हमने यहाँ इसको चिपका दिया, अब इस पर हम बल्ब लगाते हैं। ये बल्ब दोस्तों, ये बल्ब में ध्यान रखना हमेशा, ये पॉजिटिव होता है और इधर साइड जिस साइड में कट होता है इसमें बल्ब के अंदर, ये देखो ये यहाँ आपको कट दिख रहा होगा, ये वाला जहाँ ये कट होता है ये होता है नेगेटिव और इधर साइड से होता है पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ से हमने ये रेड है, इसमें हमने पॉजिटिव लगाना है और इधर साइड हमने इसमें नेगेटिव लगाना है। तो बल्ब को इस तरीके से हम लगा लेंगे यहाँ। अगर बल्ब के पॉइंट बड़े दिखाई दे रहे हो तो उनको थोड़ा अलग चिमटी से नज़दीक कर लेना इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से इसको हम नज़दीक कर लेंगे चिमटी की सहायता से। अब यहाँ से हम इनको लगाते हैं, ये अब भी थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं तो इनको यहाँ से हम कतिया से काट लेते हैं। यहाँ से इसको हमने काट लिया, दूसरे को भी काट लेते हैं। अब ये इसमें हम लगाते थे, ये हमने यहाँ से इसमें लगा दिया। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा काम ज़्यादा है। तो दोस्तों घबराना मत, वीडियो को पूरा देखना, इसके आपको बहुत जानकारी मिलेगी स्टोरेज के अंदर। ये यहाँ से हमने सोल्डर कर दिया इसका पॉजिटिव पॉइंट, अब इसके हम नेगेटिव पॉइंट को टच कर लेते हैं यहाँ से। अब इसका नेगेटिव पॉइंट है, उसको भी उस पर थोड़ी पेस्ट लगा देते हैं। यहाँ से हमने इसमें थोड़ी पेस्ट लगा दी, यहाँ से इसको सोल्ड इसको कर देते हैं, यहाँ से सोल्ड, ये इसको भी हमने सोल्ड कर दिया। अब इसको हम यहाँ से चार्जर की सहायता से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बल्ब ठीक हुआ, टॉर्च ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये देखो दोस्तों, अब हमारा लाइट चल पड़ा है, ये देखो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से चल जाएगा ये देखो। अभी हमारी टॉर्च ओके हो गया, अभी इसको हम फिट कर लेते हैं। दोस्तों इसको मैंने फिट कर दिया है बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इसको खोला था। फिट करने के बाद में अब इसको मैं टॉर्च को आपको इसमें फिट करता हूँ सेल को, उसको देखते हैं चला करके चलती है या क्या करती है। ये देखो दोस्तों, टॉर्च हमारी एकदम रेडी हो चुकी है, बल्ब भी लग गया, स्विच भी लग गया, ओके हो गया। अब इसको हम यहाँ से फिट कर लेते हैं।
दोस्तों ये हमारी टॉर्च कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके पास कोई टॉर्च हो तो इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये जापानी टॉर्च है, बाहर की है, सऊदी अरबिया से आती है। ये देखो दोस्तों, टॉर्च हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों, कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइबर आप बढ़ाओगे तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा मेरे ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।